कहानी कांग्रेस के उस अध्यक्ष की, जिसे बेइज्जत कर पद से हटाया था, खोल दी थी धोती, किया था बाथरूम में बंद, आखिरी गैर गांधी अध्यक्ष का हुआ था कैसा हश्र। ये कहानी कांग्रेस के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की है जिसके साथ हुआ बर्ताव देश की राजनीति में लंबे समय तक चर्चाओं का विषय बना रहा। दरअसल बात 1996 की है, जब नरसिंह राव को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया था। राव के बाद इस पद के लिए सोनिया गांधी को सबसे उपयुक्त चेहरा सीताराम केसरी लगे थे। पार्टी में उस दौर में सबसे वरिष्ठ होने के साथ साथ गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद भी थे। केसरी उससे पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे थे और इतने समर्पित नेता थे कि अक्सर पार्टी को ही अपना परिवार भी कहा करते थे। लिहाजा सोनिया की नजरों में वही इस पद के लिए सबसे बेहतर चेहरे के तौर पर सामने आए। सोनिया का यह फैसला काफी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि केसरी के अध्यक्ष बनने से नरसिम्हा राव के दौर में सताए हुए कई नेता जैसे माधवराव सिंधिया और नारायण दत्त तिवारी, जो पार्टी से टूटकर अलग हो गए थे, वे वापस कांग्रेस में शामिल हुए। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता जीके मूपनार ने भी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय केसरी के कार्यकाल में ही किया। इससे कांग्रेस को मजबूती मिली। इतना सब होने के बावजूद और केसरी की उस दौर में खूब वाहवाही के बावजूद पार्टी के कुछ नेताओं ने केसरी के खिलाफ खेल कर दिया। इस बीच इस चर्चा को भी खूब हवा मिली कि अध्यक्ष पद से केसरी को हटाया जाए। हालांकि तब तक ऐसा कुछ औपचारिक नहीं था, फिर भी इस बात से केसरी विचलित हो उठे। ऐसे में वो ये सवाल कर बैठे कि जब उनके अध्यक्ष रहते 10 जनपद के सभी आदेश माने जा रहे हैं, तो उनसे अध्यक्ष पद छीने जाने की बात क्यों हो रही है। उस दौर की चर्चाओं के मुताबिक उनके इस छोटे से सवाल का इतना बतंगड़ बना कि उनसे इस्तीफा ही मांग लिया गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को ये बात समझ नहीं आई तो 14 मार्च 1998 को 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में केसरी से इस्तीफा देने को कहा गया तो वह वहां से रोते हुए भागे और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। जोर जबरदस्ती के लिए युवक कांग्रेस के दबंग बुलाए गए। जैसे तैसे केसरी से इस्तीफा लिया गया। कहा जाता है कि जब बेआबरू होकर वे कांग्रेस दफ्तर छोड़कर जाने लगे तो उनकी धोती तक खींची गई। ऐसा उन्होंने खुद मीडिया के एक इंटरव्यू में कहा था, लेकिन शायद इतना ही जैसे काफी नहीं था। उसके बाद साल 2019 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस 24 अकबर रोड नई दिल्ली के शिलापट से बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उनका नाम भी मिटा दिया गया। साल 2019 में ही जब राहुल गांधी ने आम चुनाव में हुई हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो फिर सोनिया गांधी ने बतौर अंतरिम अध्यक्ष पदभार संभाला। तब से ये पद अध्यक्ष विहीन है। ऐसे में इस पद को लेकर कई गैर कांग्रेस नामों की चर्चाएं शुरू हुई तो अचानक कांग्रेस के अंतिम गैर गांधी पूर्व अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी की अचानक सबको याद आई। भारत के राजनीतिक इतिहास में केसरी के साथ कथित तौर से हुआ वो अपमान एक बुरी याद के तौर पर जीवंत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।